कभी सोचा है कि पासपोर्ट का रंग आपके जीवन के बारे में क्या कहता है? हर पासपोर्ट सिर्फ एक दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह आपकी पहचान, स्थिति और अधिकारों का प्रतीक भी होता है। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके पासपोर्ट से जुड़ी है और जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भारत में मुख्य रूप से 3 रंगों के पासपोर्ट जारी किए जाते हैं, नीला, सफेद और मैरून। अब सवाल उठता है कि किसे कौन सा पासपोर्ट मिलता है और इसके पीछे का कारण क्या है। चलिए हम इसे सरल भाषा में समझते हैं। तीन तरह के पासपोर्ट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं नीले पासपोर्ट की। यह पासपोर्ट आम नागरिकों के लिए होता है, चाहे आप व्यक्तिगत यात्रा पर जा रहे हों या व्यावसायिक काम से, नीला पासपोर्ट आपके लिए अनिवार्य है। यह पासपोर्ट आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाता है और आपके यात्रा को सरल बनाता है। एक तो ब्लू कलर का होता है, इंडिविजुअल पासपोर्ट है वो, पर्सनल, सब लोगों को वही इशू होता है। अब आते हैं सफेद पासपोर्ट पर। क्या आप जानते हैं कि यह पासपोर्ट सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए होता है? जी हाँ, अगर आप किसी सरकारी कार्य से विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको सफेद पासपोर्ट मिलता है। यह सरकारी अधिकारियों की भूमिका और अधिकार को दर्शाता है, जिससे उन्हें विशेष सुविधाएं मिलती हैं। सेकंड है एक ऑफिशियल पासपोर्ट, व्हाइट कलर का होता है वो। ऑफिशियल ड्यूटी में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जा रहे हैं ऑफिशियल ड्यूटी में, तो उनको व्हाइट पासपोर्ट दिया जाता है एक सर्टेन लेवल तक। अंत में बात करते हैं मैरून पासपोर्ट की, जो डिप्लोमेटिक अधिकारियों को दिया जाता है। अगर आप भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं तो आपको यह पासपोर्ट मिलता है। राजदूतों और उच्चायुक्तों को यह पासपोर्ट मिलता है, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत कर सकें और राजनयिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। बियॉन्ड वन लेवल से, मतलब सीनियर ऑफिसर्स जो भी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड अबव, मींस अब जो पे स्केल है हमारा उसमें लेवल 14 एंड अबव को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, यानी चॉकलेट कलर का, रेड कलर का पासपोर्ट दिया जाता है। सिमिलरली वो मिनिस्टर्स को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों को, उनको ये दिया जाता है डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। तो अब जब भी आप अपने पासपोर्ट को देखेंगे, याद रखें कि इसका रंग सिर्फ एक सजावट नहीं है, बल्कि यह आपकी पहचान और जिम्मेदारियों का प्रतीक है। पासपोर्ट सिर्फ एक यात्रा का दस्तावेज नहीं है, यह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपकी स्थिति और भूमिका को दर्शाता है। मतलब एक चॉकलेट कलर का, एक ब्लू कलर का और एक व्हाइट कलर का। तो ये जो ऑफिशियल विजिट के लिए व्हाइट पासपोर्ट दिया जाता है, ये बेसिकली इसको ऑफिशियल पासपोर्ट। और रेड कलर का होता है उसको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। और प्रेसिडेंट को भी रेड कलर, प्रेसिडेंट को होल लाइफ के लिए मिलता है रेड कलर। अगर आप एक आम नागरिक हैं तो आपके पास नीला पासपोर्ट होगा, सरकारी सेवा में हैं तो सफेद, और अगर डिप्लोमेटिक पद पर कार्यरत हैं तो आपको मिलेगा मैरून पासपोर्ट। पासपोर्ट के इन रंगों का महत्व समझना न भूलें, क्योंकि यह आपकी पहचान का प्रतीक है। लोकल 18 के लिए पटना से उद्धव कृष्णा की रिपोर्ट।